अगर आपको भी पेटीएम के अंदर इस तरीके से लिखा आता है, जैसे यहाँ पे अभी लिखा रहा है वे कुड नॉट फाइंड एनी अकाउंट इन, हमारा बैंक का नेम है और यहाँ पे विथ योर मोबाइल नंबर, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करेंगे वही इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। तो वे कुड नॉट फाइंड इस तरीके से लिखा आता है, जैसे हम पेटीएम के अंदर हमारा बैंक अकाउंट जो है फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिंक बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे हमने हमारा बैंक चूज़ किया, लेकिन यहाँ पे ये जो है प्रोसेस नहीं हो पाता या फिर फाइन नहीं कर पाता है। तो क्या रीज़न है और आपको क्या करना है? तो सबसे पहले तो आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पे लगाई हुई है, आपका अकाउंट है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ये आपका जो है मोबाइल नंबर है, तो ये चेक कर लीजिए ये जो आपका मोबाइल नंबर है वो किस बैंक में साथ लिंक है, मतलब किस बैंक में आपने ये मोबाइल नंबर लिंक करा है, जुड़ा हुआ है। तो वही बैंक आपको यहाँ पे चेक करनी होती है। जैसे हम यहाँ से बैक आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी बैंक्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, नाम देखने को मिलते हैं, इसमें से काफ़ी सारे नाम जो है मिलते जुलते हैं, इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे यहाँ पे है अहमदनगर मर्चेंट और अहमदनगर सहारा, ठीक है, तो ये एक ही बैंक है लेकिन उसके दो अलग अलग हिस्से हैं, तो मतलब दो अलग अलग बैंक है लेकिन नाम सेम आपको सेम देखने को मिलता है। नीचे भी आपको सेम टू सेम नाम वाले काफ़ी सारे बैंक मिल जाते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश की ग्रामीण है और शहरी, ठीक है, सरकारी, इस तरीके से मतलब अलग अलग बैंक से। तो जो भी आपकी सही बैंक है वही आपको यहाँ पे चूज़ करनी है। अगर आप गलत बैंक अपना चूज़ करते हैं तो ये लिंक नहीं होगा। आप मान लीजिए यहाँ से बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपका अकाउंट है तो उसको आप चूज़ करेंगे तो आपका ये जो है हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। जैसे हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ये बता रहा है कि वे डोंट फाइंड, ठीक है, तो मतलब इसमें हमारा मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। तो यही आपको चेक करना है कि किस बैंक में आपका मोबाइल नंबर है और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपका ये मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उस केस में आपका ये जो बैंक है वो फाइन नहीं करेगा। अगर आपको वीडियो समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।